हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है टर्म वन की तैयारी? फाइन, ओके, दैट्स ग्रेट। तो आई होप आपने फर्स्ट वाले जो मैंने डाले थे एमसीक्यू टर्म वन के लिए सॉलिड स्टेट के, उनको थॉरली आपने स्टडी कर लिया है और ऐप डाउनलोड कर लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक नीचे दिया हुआ है। जिन्होंने नहीं डाउनलोड करी है, प्लीज उसको डाउनलोड करो। उसमें एक टेस्ट सीरीज है आपके लिए जो आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगी फॉर योर फर्स्ट टर्म्स। 14 दिसंबर को आई थिंक योर एग्जाम ऑफ केमिस्ट्री इज देयर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बच्चे एक प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है, लगता तो बहुत आसान है, वो चार ऑप्शंस होंगी, हम लोग फटाक से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मगअप नहीं करना है, वो ठीक है, मगअप तो नहीं करना होता। आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो ईजी हो। सब्जेक्टिव में आप कुछ भी लिख दोगे तो टीचर कुछ ना कुछ मार्क्स दे देगा, हाफ मार्क दे देगा। चलो ठीक है, इतना सा पॉइंट इसने ठीक लिखा है तो उसको हाफ पॉइंट दे दो। जैसे पिछले साल वाले जो प्लस टू वाले थे या उससे पिछले साल प्लस टू वाले थे, तो हर एक क्वेश्चन को कैटेगराइज किया जाता था या हर एक क्वेश्चन में हर एक पॉइंट के थोड़े से मार्क्स होते थे। तो वो बहुत इजी था स्टूडेंट्स के लिए कि एक क्वेश्चन है जो कि टू मार्क्स का है, उसमें से वन मार्क का ही आता है, वन पार्ट ही आता है, तो स्टूडेंट्स वो वन पार्ट कर लेते थे तो वन मार्क मिल जाता, राइट। एमसीक्यूज में ऐसा नहीं है। एमसीक्यूज में एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, कॉन्सेंट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो और जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो। ओके, तो आपने किस तरह से अटेम्प्टेशन करनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना। एमसीक्यूज में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, या वो राइट है या वो रॉन्ग है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने में आसान लगता है कि तुक्का भी बढ़ जाएगा। हाँ, आपकी एक एडवांटेज है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं। कॉम्पिटिशन्स में आईटी जेई में आप बैठते हो या आप नीट में बैठते हो तो उस दौरान आपको नेगेटिव मार्किंग, राइट। अब एक और चीज, आपने चैनल को शेयर करना है, प्लीज सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है ताकि हमारा सब्सक्राइबर बेस जो है वो बढ़ता चला जाए। अभी तक काफी अच्छा चला हुआ है, हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, वेरी गुड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बट स्टिल यू नीड टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके, यू हैव टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो दैट हमारा सब्सक्राइबर बेस जो है दैट स्टार्ट्स इंक्रीज। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर टू के स्टूडेंट्स ने कमेंट्स डाले कि मैम सिर्फ चैप्टर वन ही आएगा कि सारे आएंगे? तो बच्चे 25 क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ओवर हियर लाइव इन द क्लास, एंड ऑल्सो 25 questions are there in your test series. So 50 questions आपने chapter में से कर लिए तो आपका 90% chapter जो है वो complete हो जाता है या prepare हो जाता है, okay? So app please जरूर download करो, that is very important. Link आपको दिया हुआ है, Google Play Store पे जाना है और वहाँ पे जाके Shelley's Chemistry search करना है, you can download the app. iOS पे also the app is now available. So without wasting any time, let's go on to our second chapter. Second chapter में formulae very very important. सारे formulae आपको tips पे होने चाहिए. दो तरह के questions इसमें से आ सकते हैं. एक आपको formula based numericals आ सकते हैं. Second आपको आ सकते हैं conceptual question. So हम कुछ भी miss नहीं कर सकते. Both the things we have to do very very strenuously. तैयारी अब आपकी ऐसी होनी चाहिए, बस टाक पटाक. और पढ़ना वही है जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओके? सो लेट्स बिगिन, लेट्स गो ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर टू। वी आर गोइंग टू गो ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन वन मोलल एक्वस सॉल्यूशन। देखो, एक शॉर्टकट मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे जो कि अप्लाई करते हैं हम सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए। सो दैट इज इक्वल टू एक्स, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस 55.6। बट ये सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन के लिए है, माइंड इट, ठीक है? किसी और सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला आपका यूज नहीं होता। अब वन मोलल एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 55.6 व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन 56.6। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0177। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी सी। लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन।
इफ यू नो अबाउट आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन में सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम होते हैं, दैट इज ए ए इज इक्वल टू बी बी इज इक्वल टू, मिक्स करके हमारे पास ए बी आ गया, तो सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दे आर गोइंग टू बी सेम. देयरफॉर डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो विच इज नॉट जीरो. So delta S mixing over here is not equal to zero. Correct option over here is going to be D. ये आपके पास एक conceptual question आ गया. How many grams of concentrated nitric acid solution added to use to prepare 250 ml of 2.0 molar HNO3? The concentrated acid is 70% HNO3. अब यहाँ पे आपके पास आपने क्या find करना है when you are doing this question? तो आपको उन्होंने बोला है कितने ग्राम्स ऑफ HNO3 जो है वो आपको इसमें ऐड करने हैं ताकि ये सॉल्यूशन आपके पास बने. अब इसमें आपको मोलारिटी वाला जो ऑप्शन है या मोलारिटी वाला जो वेल यू कैन से फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए. सो लेट्स सी हाउ यू गो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ओवर हियर. वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3. मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए पहले, W into 1000 upon molar mass into volume of solution in milliliters. यही formula है ना. अब यहाँ पे values put कर देते हैं. Molarity उन्होंने 2 दी हुई है. So 2 that is equal to W upon molar mass of HNO363 into 1000 upon कितना दिया है ml, 250 ml. So this is 250 ml that is given to you. तो वेट यहाँ पे जो है दैट विल कम टू 63 अपॉन 2 ग्राम्स. कैलकुलेट करके देखें W की वैल्यू. यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास मास ऑफ एसिड W की वैल्यू क्या आ जाएगी? 63 अपॉन 2. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 63 अपॉन 2 आ गई. तो मास ऑफ एसिड इंटू 70 अपॉन 100, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं 70% HNO3 है. तो मास ऑफ एसिड इंटू 70 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 63 अपॉन 2. पता चला ना 63 अपॉन 2 कैसे आ रही है आपकी? ये 250 आ गया 4. यहाँ पे W की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 into 63 upon 4 that will become equal to 63 upon 2. So mass of acid into 70 because it is 70% HNO3. So total mass 70 upon 100 that is equal to W. जब आप mass of acid यहाँ पे calculate करते हो तो mass of acid that comes equal to, mass is equal to how much? 63 into 100 upon 2 into 70. राइट कैलकुलेट करेंगे आप तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा दैट विल बी 45 ग्राम्स. दिस इज अ लिटिल टिपिकल क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड किस तरह से करना है. ओके, दिख नहीं रहा है सो आई विल जस्ट गेट टू वर्ड साइड. 63 इनटू 100 अपॉन 2.70 दैट इज गोइंग टू बी द मास. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हिच कंडीशन इज नॉट सैटिस्फाइड बाय एन आइडियल गैस? सेम आ गया, वी मिक्सिंग तो जीरो है, करेक्ट. डेल्टा एस मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो. So, ये वाला क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से आ सकता है. रीफ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन कैन टेक प्लेस. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. पी ए एंड पी बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन. इफ एक्स ए रिप्रेजेंट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल प्रेशर? चलो इसको करते हैं क्वेश्चन को. अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, डेरिवेशन इसकी अगर आप कर सकते हो so it would be really really easy for you to do it. So this is our question number 5. Okay, how you supposed to do this question? Reaul's law kya bolta hai? P is equal to PA naught PA into XA plus PB into XB. theek hai, binary solution ke liye XA plus XB should be equal to 1. तो एक्स बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस एक्स ए. राइट, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स बी आपके पास क्या आ गया?
प्रेशर दैट इज इक्वल टू पी ए इंटू एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू लगा देते हैं वन माइनस एक्स ए पी बी। सॉल्व करें अगर इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी माइनस पी बी इंटू एक्स ए, है ना, यही आ जाएगा ना। पी बी से इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, लेट्स गो ऑन टू द वैल्यू ऑफ प्रेशर, x से हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो प्रेशर विल बी इक्वल टू पी बी प्लस एक्स ए पी ए माइनस पी बी। ठीक है, लेट्स सी ऑप्शंस हमारे पास क्या है। x से आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो आपके पास ये आ गया। लेट्स सी इज देयर एनीथिंग व्हिच वी हैव ओवर हियर, पी ए इज इक्वल टू पी बी प्लस एक्स ए पी ए माइनस पी बी, पी बी प्लस एक्स ए पी ए माइनस पी बी, यस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाला टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से रियॉल्स लॉ में से हमको क्वेश्चन आ सकता है। जब हम लोग डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और रियॉल्स लॉ को कंबाइन करते हैं तो रियॉल्स लॉ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर 200 mmHg एंड 41.1 mmHg। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम्स ऑफ CHCl3 and 40 grams of CH2Cl2 at the same temperature will be what? So this is an important question. इसपे कैसे आप करते हो, इसमें पहले आपको P0 दे रखा है, P0 किसका दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म का P0 वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म 200 mm, so 200 mm is given to you। उसी तरह से P0 for pure pressure for CH डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू 41.5 mm, ये भी आपको दे रखा है। ठीक है, अब इधर मोल्स आपको, योर फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ। तो नंबर ऑफ मोल्स करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन, कितना दिया है 25.5 ग्राम्स ऑफ CHCl3 divided by its molar mass which is 119.5, तो number of moles आपके पास इसके calculate करके आ जाते हैं 0.213। उसी तरह से आपने number of moles of CH2Cl2 calculate करने हैं, that would be 40 grams दे रखा है आपको divided by 85, so this comes to 0.31। mole fraction find करेंगे अब दोनों की, तो x of CHCl3 you can find out, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 0.213 है एंड टोटल मोल्स इज 0.523, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स व्हिच वी आर गेटिंग ओवर हियर 40/85। कुछ गड़बड़ तो नहीं करिए, ओ 40/85, देयर इज वन गड़बड़ ओवर हियर, कैलकुलेटिव टेक, सो वी आर गोइंग टू ऑन टू 40/85। जब आप करोगे इट विल कम टू 0.47, सॉरी फॉर द कैलकुलेशन मिस्टेक। तो इसको आप एड कर सकते हो, ठीक है, 0.47 दिस विल कम 0.683। होल फ्रैक्शन जो इसका कैलकुलेट करके आएगा दैट विल कम टू 0.31। ठीक है, अगर इसका 0.31 आ गया तो वॉट इज गोइंग टू बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2, 1 माइनस 0.31, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, क्या आ जाएगा 0.6। नाउ यू हैव द मोल फ्रैक्शंस ऑफ बोथ, यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल प्रेशर, सो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू वॉट, पी ऑफ CHCl3 व्हिच इज 200 into its mole fraction which is 0.213 and plus the vapor pressure of CH2Cl which is 41.5
इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन व्हिच इज 0. मोल फ्रैक्शन लेनी है हमने, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेने, मोल फ्रैक्शन लेनी. व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन? 0.31 आया ना, 0.31, यस. सो वी आर गोइंग टू टेक ओवर हियर 0.31, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0.6. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, द आंसर व्हिच यू आर गोइंग टू गेट इज 90.63. सो दिस इज नन ऑफ द अबव. सो दिस इज अ बोनस क्वेश्चन व्हिच हैज बीन गिवन टू यू. कंफ्यूज नहीं हो जाना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में भी आ जाते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना था कि आंसर तो मैच नहीं कर रहा, और इसी को बार बार ट्राई करते रहोगे, आंसर आपका फिर भी 90.63 आएगा. ओके, सो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन इन विच योर आंसर इज नॉट मैचिंग. तो इसका जो आंसर है दैट इज नन ऑफ द अबव, कोई भी आंसर मैच नहीं कर. क्वेश्चन नंबर 7 सेम आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सो सॉरी, दिस इज अ रेपिटेटिव क्वेश्चन बिकॉज ये काफी टाइम आया हुआ है. So probably that is why again and again this question is coming. Question number 8. 200 ml of an aqueous solution of protein contains 1.26 grams. The osmotic pressure of the solution at 300 Kelvin is found to be this. The molar mass of the protein will be what? Okay, seedha formula lagana hai, kuch ispe karne ki humko zarurat hi nahi hai. So osmotic pressure that is equal to number of moles of the solute upon molar mass into volume into R into T. So they have given you 2.57 into 10 raised to power minus 3. Number of moles ki jagah hum log kyunki weight le rahe to W bhi lenge. 1.26 diya hua hai into 0.083 R mein lena hai aapko, to 0.083 temperature hume Kelvin mein lena hai into 300. Done upon molar mass. इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी दी है, मिलीलीटर में दी है 200 ml. तो यहाँ पे आपको 1000 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आई एम राइटिंग इट ओवर योर 2000. ओके, सो एमबी यू कैन कैलकुलेट नाउ. एमबी विल बी इक्वल टू 1.26 टू 0.083 300 इंटू 1000 अपॉन 2.57 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 200. तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हो, द आंसर विच यू आर गोइंग टू गेट ओवर हियर इज 61038 ग्राम्स पर मोल. दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. डन. ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है आपका, एन एक्वा सॉल्यूशन इज 1.00 molar KI, which changes cause the vapor pressure of the solution. So vapor pressure increase करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Dilute करना पड़ेगा solution. तभी vapor pressure increase. Okay. So which change will cause the volume, say that is inversely proportional ना? Vapor pressure. Which change will cause the vapor pressure of the solution? Addition of NaCl, नहीं जी. Addition of Na2SO4. वो भी नहीं है. आयनाइजेशन भी तभी पॉसिबल होगी अगर हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा. सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर शुड बी डी. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज मोलर मास 342 ग्राम्स पर मोल हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.5 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड विल बी व्हाट? तो इस पे पहले डेल्टा टीएफ वाला वैल्यू फार्मूला लगाते हैं. डेल्टा टीएफ दैट इज इक्वल टू डब्ल्यूबी. क्या फॉर्मूला है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू के एफ ना. सो और मोलालिटी क्या हो गई? डब्ल्यू बी एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 इंटू के एफ. ठीक है, डब्ल्यू बी आपको कितना दिया है? 68.5 1000 अपॉन एम बी सुक्रोज का 342 इंटू 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर into KF which is 1.86. और ये हो गया cancel. It is not a very very difficult question. Delta TF की value आपके पास आ जाएगी 0.3725. अभी देखो ये बड़ा confusing है, यहाँ से फटाक से ये answer नहीं करना है.
उन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन टीएफ की वैल्यू मांगी है, ये तो आपके पास डेल्टा टीएफ आ गया, तो टीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, डेल्टा टीएफ दैट इज इक्वल टू जीरो माइनस टीएफ, तो टीएफ की वैल्यू इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा टीएफ, तो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर शुड बी ए, माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. Concentrated aqueous sulfuric acid is 98% H2O4 by mass and has a density of 1.80 grams per ml. Volume of acid required to make 1 liter of 0.1 molar H2O4 solution. ये तो NCERT का question है. तो अब देखें इसको हमने कैसे करना है. H2SO4 कितना दिया है हमें? As you can see in the question, 98% दिया हुआ है. Weight H2SO4 का क्या होता है? मतलब 98 हो गया ना, अगर 98% दिया है और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ले लेंगे क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी ना, तो मास इज हाउ मच, 100, डेंसिटी हमको कितनी दी है 1.80. This is going to be 55.55 ml. Liters में अगर आप इसको convert करते हो, 0.0555 liters. ये आपके पास volume आ गई. Molarity of the solution आपने calculate करनी है. Molarity क्या आ जाएगी? Number of moles, weight given upon molar mass. 98/98 × 0.055 वॉल्यूम आपने लीटर्स में ले लिया है. ठीक है, तो मोलारिटी ओवर हियर दैट कम्स टू 18.02. अब इसके बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो अगर हम लोग वी एम एल ऑफ दिस सॉल्यूशन H2SO4 जो है दैट इज यूज्ड to prepare 1 liter of 0.1 molar H2SO4. So what is going to be the molarity equation? M1V1 that is equal to M2V2. है ना? M1 की value में आपके पास 18.02 आ गया. Let's take it as V1 that is equal to 1000 into 0.1. 0.1 नहीं दिया है हमको molar ना? हाँ, 0.1 molar. 0.1 molar. So the value of volume that will come to 5.55 ml. है कुछ ऐसा हमारे पास? Yes. C is the correct option. Right? Copy you can. Done. Okay, let's go on to question number 12. During osmosis flow water through a semi-permeable membrane is. बच्चे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वैसे अगर आप ऑस्मोसिस करो तो ऑस्मोसिस क्या हुआ, ऑस्मोसिस मींस कि जो फ्लो ऑफ वाटर है दैट इज फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट टुवर्ड्स इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ओके, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट, सोल्यूट नहीं मैं बोल रही हूँ, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट की तरफ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट की तरफ को जाएगा, या डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ को जाएगा, इन सिंपल वर्ड्स तो हम ऑस्मोसिस बुलाते हैं. ऑस्मोसिस विल ऑलवेज टेक प्लेस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, वो कोई भी एक्यूरेट नहीं है, कैन नॉट फॉर्म अ परफेक्ट सेमी परमिएबल. तो फ्लो दोनों तरफ से चलता है, ऑल्दो जो फ्लो का वेल यू कैन से रेट है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, बट फ्लो दोनों तरफ से चलेगा. सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज बी, from both sides of a semi-permeable membrane with unequal flow rates. A solution of acetone and ethanol. Acetone is CH3COCH3 and ethyl alcohol is C2H5OH. के अंदर होती है hydrogen bonding. जब हम CH3COCH3 को इसमें add करते हैं तो hydrogen bonding breaks. हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकन हो जाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डिविएशन. सॉरी, इसमें सी वाला जो ऑप्शन मैंने गलती से गलत टाइप कर लिया है, यहाँ पे सी ऑप्शन था, इट विल शो अ
पॉजिटिव नेगेशन फ्रॉम रियल्स लॉ. अगर ऐसा ही सेम अगर आपको आ गया तो तब तो none of the above हो जाएगा. तो यहाँ पे my typing error तो a positive deviation from Reaulds law. Let's go on to question number 14. 1 gram of a non-electrolyte solution, molar mass 250 was dissolved in 551.2 grams of benzene. The freezing point depression constant Kf of benzene is 5.12 kelvin kg per mole. The freezing point of benzene will be lowered by how much? Delta Tf की value बेटा इसमें find करेंगे. Delta Tf is equal to WB, which is 250. Nee, that is the molar mass. 1 gram, sorry. So this is 1 gram, okay, upon 250 into molar mass of into the mass of benzene, 1.2 thousand. Into Kf, which is 5.12, ये आ गया आपके पास डेल्टा Tf की वैल्यू. तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करो तो ये कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से 0.4 आना चाहिए इसका आंसर. सो डेल्टा Tf की वैल्यू के और ये चला गया 4 और 5.12 upon 50, yes, so it will be 0.4 Kelvin. एक बारी चेक मारो, इज इट करेक्ट और इज इट रॉन्ग. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एरर. इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम्स, इज आइसोटोनिक विद 5% सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन. ओ ओके, तो करते चलो इसको, ये भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया शुड बी इक्वल टू the osmotic pressure of the solution. Pi 1 should be equal to pi 2. So osmotic pressure is 10 upon 60 into 1000 per decimeter cube diya hua hai. That is equal to 5% diya hai. Chalo 5 le lete upon molar mass into kitna diya hai unhone, 1000 ki 100 kitna diya hai. Acha 5% diya hai to 100 le lenge. Ye aa gaya 100. कैलकुलेट कर सकते हैं m की वैल्यू यहां से, तो m की वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 300 ग्राम्स पर मोल. क्या है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास, c इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 16, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स p एंड q आर 80 एंड 60 टोर रिस्पेक्टिवली. द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन बाय मिक्सिंग मोल ऑफ p एंड 2 मोल्स ऑफ q. अगेन रियल लॉ का क्वेश्चन आ गया, राइट. सो हम क्या बोल रहे हैं, पी टोटल दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी. अगर इतने इजी क्वेश्चन को देख के आपको लगा कि ओ मैन फॉर्मूला तो याद ही नहीं आ रहा, तो गए. तो फॉर्मूले आपने लिख लिख के याद कर लेने हैं सारे, ओके. पी ए नॉट, ए नॉट हमको कितना दिया है, 80. अच्छा, इसमें अब आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो हमको एक्स ए कैलकुलेट कर लेते हैं. एक्स ए विल बी इक्वल टू 3/5, है ना, यही आ जाएगा ना. एक्स ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3/5, और एक्स बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2/5. ऐसे ही डाल देते हैं, 80 इंटू 3/5 प्लस 60 इंटू 2/5 हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए. क्या आपके पास 5 कितने जा 80 होता है, ओ मैं तो भूल गई, टेबल्स ही भूल गए भाई साहब. सो इट इज गोइंग टू बी 16, क्या गलत किया, गोइंग टू बी 12. सो 16 इनटू 12 इनटू 3 इज 48 प्लस 24 एंड द आंसर इज गोइंग टू बी 72 टोर. बिल्कुल ही सी क्वेश्चन था, लड्डू क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17, a solution has 1:4 mole ratio of pentane to hexane. Now, the vapor pressure of pure hydrocarbon at 20 degree centigrade are 440 mm of mercury for pentane and 120 mm of mercury for pentane. The mole fraction of pentane in vapor phase would be what? Oh, okay. अब ये भी कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन, थोड़ा बहुत ऐसा अगर आप देखो,
इसमें आपको मोल रेशियो दी हुई है ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए पेंटेन टू हेक्सेन. तो पेंटेन टू हेक्सेन मींस 5H12 ना, और C6H14. जनरल फॉर्मूला याद है ना, ये आ गया आपके पास 1/4. तो अगर आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हो तो मोल फ्रैक्शन C5H12 की आ जाएगी 1/5, और मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H14 आ जाएगा 4/5. दोनों के मोल फ्रैक्शंस हैं आपके पास. ठीक, फॉर्मूला लगाते हैं. प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नॉट. पी ए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ हाइड्रोकार्बन 20 DPR 440 mm. और पेंटेन तो 440 to 1/5 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन द वेपर फेज आपने फाइंड करना है. इसमें यहाँ पे नहीं एंड होएगा, पहले इसको हम फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे मैं बताती हूँ क्या कहानी है. इनटू 4/5 ये आ गया आपके पास. तो टोटल प्रेशर उसी तरह से जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, ये आ जाएगा 184 mm ऑफ मर्क्यूरी. अब इसमें आपने डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो भी लगाना है. तो आपको क्या होता है, प्रेशर ऑफ इसका हमको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है पेंटेन का. C5H12 is equal to XA upon P total. ना? तो ये या वाई ए ले लो क्योंकि हमने वेपर फेस में कैलकुलेट करना है. तो वाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या बना दो, वाई ए दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ C5H12. प्रेशर ऑफ C5H12 कितना दिया हमें, 440 mm. 440 into P total. और P total आपने कितना निकाला है, 184. ऐसे ही कुछ निकाला है ना. तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं 88 अपॉन क्या करना है हमें, एक मिनट, मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन फाइंड करना है. तो 88 दैट इज इक्वल टू 88 अपॉन 184. फॉर्मूला गलत ले लिया शायद, एक मिनट. हाँ ओके ओके, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे गलती करी. यहां से आगे करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आर गोइंग, वी गॉट बोथ द दिस थिंग. तो आपके पास आ गया पी ऑफ C5H12 that is equal to P into by C5. So PA upon P total is equal to Y लेना था. Okay, तो आप calculate करोगे इस पे, so you will get over here क्या कितना दिया हुआ है हमें, 88 upon 184. टोटल आ रहा है 184. और पेंटेन का हमें कितना दिया है प्रेशर, जो आपने फाइंड करा था, दैट यू हैव टू फाइंड ओवर हियर, दैट इज दिस. ओके, तो ये आपके पास Y5H12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 88 अपॉन 184, व्हिच इज इक्वल टू 0.478. That is going to be the option. So 0.478 माने done deal. Next question. A solution of urea boils at 100.18 degree. Colligative properties बेटे बिल्कुल भी नहीं है, आपने छोड़नी है. उसमें से एक या दो numerical आपको आएंगे. If KF and KB for water is this respectively, the absolute T is at what? अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, KF अपॉन के बी दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. के एफ की वैल्यू हमको कितनी है, 1.86 अपॉन 0.512. डेल्टा टी एफ हमें कितना दिया है कैलकुलेट करना है, और डेल्टा टी बी की वैल्यू सॉल्यूशन ऑफ यू या बॉइल्स इतने पे है,
तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी 100.18 माइनस 100 व्हिच इज गोइंग टू बी 0.18, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ जाएगी 1.86 इनटू 0.18 अपॉन 0.512 व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ। तो इसको हम कर सकते हैं फाइंड व्हिच इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस जीरो, मतलब ये तो आपके पास 0.6539 आ जाएगा ना, 0.6539, और अगर टी एफ फाइंड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा माइनस। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, ई इज गोइंग टू बी द करेक्ट। डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 गाइस, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ए एंड बी फॉलोज रियॉल्स लॉ। ओके, ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन ए ए एंड बी बी। अगर कंपोनेंट ए बी रियॉल्स लॉ फॉलो करते हैं तो इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन। ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज लेस देन, ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके लिए, द करेक्ट ऑप्शन सीधा चौका मार देना है, ओ नहीं सिक्सर मार देना। फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच वन इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स, ऑस्मोटिक है ये बेस्ट है। ठीक है, चलो रीजंस आपको पता है। The vapor pressure of benzene at certain temperatures is 40 mm of mercury. A non-volatile and non-electrolyte solute weighing 2.175 is added to 9.08 grams of benzene. The vapor pressure of the solution is 600. What is the molecular weight of, molecular weight of the solid substance? क्या लगेगा इसमें? Relative lowering in vapor pressure वाला formula लग सकता है ना? P naught minus Ps upon P naught, that is equal to WB upon MB, XB की वैल्यू आपने लेनी है, इनटू क्या आएगा, XB की वैल्यू लोगे ना, दिस इज इक्वल टू XB, तो XB दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, NA प्लस NB। ठीक है, अब क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट आपका 2.175 इन्होंने लिया हुआ, तो कम ही है, थोड़ा ज्यादा नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी एम ए इंटू डब्ल्यू ए। तो पी नॉट की वैल्यू कितनी है, 640 माइनस 600 अपॉन 640, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आपको कितना दिया है, 2.175 इंटू बेंजीन का मोलर मास 78 अपॉन मोलर मास क्या दिया है दूसरे वाले का, 39.08 ऑफ बेंजीन। अच्छा 39.08, और आपको फाइंड करना है एम। ठीक है, सो एम की वैल्यू आप फाइंड करोगे यहां से, इट कम्स टू M माने डब्ल्यू ए की वैल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू ए ले लेते हैं मास, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। डब्ल्यू ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 69.5। डायरेक्ट क्वेश्चन था बिल्कुल ही। 22, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अ डायबेसिक एसिड शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन विद स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 नॉर्मल। तो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन आपको 0.1 नॉर्मल दी है, वेट अपॉन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, वॉल्यूम इनटू नॉर्मैलिटी अपॉन 1000। तो इक्विवेलेंट वेट आपके पास कितना आ जाएगा, डायबेसिक एसिड है 200 डिवाइडेड बाय 200, ओके, और आपको इसमें फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। तो ये इक्विवेलेंट वेट आपका 100 आ गया। थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं, डायरेक्टली आंसर निकालने की कोशिश हम यहाँ पे कर रहे हैं। डब्ल्यू दैट विल बी equal to equivalent weight is 100 into volume, कितनी दी है 100, normality कितनी दी है 0.1 upon 1000, बहुत ही आसान है, weight आपके पास आ जाएगा 1 gram, so correct option over here is going to be question number 23, if 0.15 grams of solvent 50 grams of solvent boiled at temperature higher by 0.216 then that of pure solvent, so ये delta TB दिया है,
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट भी दिया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, हमने फाइंड क्या करना है इसमें, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट आपको दिया है, सोल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट इज बॉइल्ड एट टेम्परेचर हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ओके, सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000. आ गया फॉर्मूला, डेल्टा टी बी आपको दिया है 0.216, के बी की वैल्यू आपको दी है 2.16, इंटू डब्ल्यू बी हमको करना है दिया हुआ 0.15 इंटू 1000 अपॉन एम बी हमको फाइंड करना, और डब्ल्यू ए हमें क्या दिया है 15 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट 15. अरे इसकी तो कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज्यादा ही सिंपल आ जाएगी, यहाँ पे m की वैल्यू आपके पास mb की वैल्यू आ जाती है 100. ओरली भी वाला क्वेश्चन आप कर सकते थे, इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24. द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm ऑफ मर्करी व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज एडेड टू द सॉल्वेंट. द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2. व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज टू 20 mm ऑफ मर्करी. ओके लेट्स सी कैसे करना है. अगेन आपने यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम. पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट दैट इज इक्वल टू एक्स बी. ठीक है, सो व्हाट आर दे सेइंग, से आपके पास पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी. नॉट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज्ड बाय 10 mm of mercury when a non-volatile solute was added to the solvent. So PS, ये जो P naught minus PS है, ये 10 mm दिया हुआ है. 10 upon P naught. That is equal to XB. The mole fraction of the solute in the solution is 0.2. So mole fraction of the solute is also given to you as 0.2. So that means let's put the value. यहाँ पे हम लोग value लगा देते हैं सीधा ही. Which is 0.2. So P naught की value आप find कर सकते हो ना, यहाँ पे P naught की value क्या आ जाएगी. P naught is equal to 10 divided by 0.2 equal to 50. So P naught की value आ गई 50. P naught minus PS कितना दिया है 20. Second वाले half में. What should be the mole fraction of the solvent at the decreased vapor pressure is to be 20 mm. ना? तो अब हमको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है सेकेंड हाफ में. P नॉट माइनस पी एस दे दिया 20 अपॉन 50 व्हिच इज इक्वल टू एक्स बी फॉर द सेकेंड वन, है ना. सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट ओवर हियर, 20 डिवाइडेड बाय 50 दैट विल बी 0.4. ना करेक्ट, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. चलो जी लास्ट क्वेश्चन. Concentration unit independent of temperature. ये तो बहुत ही आसान question आ गया. Correct option over here is going to be. So 25 questions done with success. Any doubt, you know what you have to do. Download the app. The chat box है. Chat box में अपना question send कर सकते हैं. Question को हम live class में solve कर सकते हैं. Special live classes आपके लिए organize की जा सकती है as your doubt removal session. But वो होगा तभी अगर आप app को download करोगे. चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेजोगे सो दैट आई कैन क्रिएट अ बैच एंड आई कैन टेक अ लाइव क्लास इन द बैच विच इज गोइंग टू बी टोटली फ्री. ओके सो टर्म वन वी आर गोइंग टू कम अप विद आवर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन सून फॉर पी ब्लॉक. टिल दैट टाइम जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेरी वेरी सेफ एंड स्टडी हार्ड. बाय बाय.